हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड इस क्लास को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और यूपी पीजीटी हो या बिहार पीजीटी हो, DSSSB हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लास सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले जो क्लासें हो चुकी हैं वे प्लेलिस्ट में अलग अलग फोल्डर बना हुआ है, उसमें से जाकर आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन्स, मार्टिन, डेविस, मैकाइवर। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक, ये बुक है किंग्सले डेविस की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मानदंड कौन निर्धारित करता है? राज्य, धर्म, समाज, विशिष्ट जन वर्ग। सामाजिक मानदंड समाज निर्धारित करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें बहुपत विवाह की प्रथा प्रचलित है? पालियान, संथाल, टोडा, जाट। बहुपत विवाह की प्रथा किसमें प्रचलित है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, टोडा जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को क्या कहेंगे? समाज, संघ, संस्था, समुदाय। कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को संघ कहेंगे। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन, सात्मीकरण। 1, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 5, 3, 4, 5। राइट आंसर बताइए। सहयोगी प्रक्रियाएं कौन सी हैं? सहयोग, अनुकूलन और सात्मीकरण। 1, 4, 5। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा किसने दी? मर्टन, दुर्खिम, ब्राउन, मेलनोहस्की। प्रकार्यात्मक विश्लेषण आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा मेलनोहस्की के द्वारा दी गई है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, समाज अपने सदस्यों पर आंशिक नियंत्रण रखे, समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण न रखे, सामाजिक संगठन कठोर और कसाव युक्त हो। सामाजिक समुचित सामाजिक संगठन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन में जेनिटस शब्द का अर्थ है? जैविकी, पितृत्व, सामाजिक पितृत्व, रचयिता। उपरोक्त में से कोई नहीं। लैटिन में जेनिटर का अर्थ क्या है? जेनिटर शब्द का अर्थ है जैविकी, पितृत्व। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकारवादी सिद्धांतों को एक फील्ड दृष्टि के रूप में समाज को अग्रणी बनाने वाले को पहचानिए? मेलनोहस्की, मर्टन, दुर्खिम, पार्सन्स। प्रकारवादी सिद्धांतों को एक फील्ड दृष्टि के रूप में समाज को अग्रणी बनाने वाले को पहचानिए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, मेलनोहस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक संघों को हम कैसे संबोधित करेंगे?
एक व्यवसायिक समूह के रूप में, एक दबाव समूह के रूप में, एक सहकारी समूह के रूप में, एक पारिवारिक समूह के रूप में। राइट आंसर बताइए। श्रमिक संघों को हम कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, एक दबाव समूह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को किस रूप में समझा जा सकता है? न्यूनतम प्रायिक मूल, मध्य मूल, सर्वाधिक प्रायिक मूल, कुल प्रायिकता में से अधिकांश। केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में बहुलक को किस रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, सर्वाधिक प्रायिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान औसत की गणना किसके प्रयोग के द्वारा की जाती है? माध्यिका, माध्य, बहुलक, माध्य और माध्यिका दोनों। गतिमान औसत की गणना किसके प्रयोग द्वारा की जाती है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है? अवधारणात्मक अस्पष्टता, अनुभवाश्रय सत्यापन, सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी, विशिष्टता। राइट आंसर बताइए। कौन सी विशेषता परिकल्पना में उपयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, सैद्धांतिक अभिव्यक्ति की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात पैरेटो की तार्किक क्रिया की परिभाषा को सही बयान करती है? वे क्रियाएं जो भावनाओं से संचालित होती हैं, वे क्रियाएं जिसमें साध्य और लक्ष्य जो हैं वे स्वयंनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों से संबंधित होती हैं, वे क्रियाएं जिसमें साध्य और लक्ष्य जो हैं वे वस्तुनिष्ठता से संबंधित होती हैं, वे क्रियाएं साध्य और लक्ष्य यद्यपि वस्तुनिष्ठता से तो नहीं परंतु स्वनिष्ठता की व्याख्या से भिन्नता होती है। राइट आंसर बताइए। पैरेटो की तार्किक क्रिया की परिभाषा को सही बयान करती है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, वे क्रियाएं जिसमें साध्य और लक्ष्य जो हैं वे वस्तुनिष्ठता से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व तो पूर्व से भिन्न था जिसके कारण वहां पूंजीवाद का विकास हुआ? धार्मिक नैतिकता, तकनीक, तर्कशीलता, विज्ञान। राइट आंसर बताइए। मैक्स वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में ऐसा कौन सा तत्व पूर्व से भिन्न था जिसके कारण वहां पूंजीवाद का विकास हुआ? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, धार्मिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग ग्लास सेल्फ का अर्थ है, हम सीखते हैं कि हम कौन हैं। स्व की भावना के द्वारा, अनुकरण द्वारा, हमारे साथ दूसरे लोगों के अनुभव के द्वारा, अपने को कोई अन्य व्यक्ति होने जैसी कल्पना द्वारा। राइट आंसर बताइए। लुकिंग ग्लास सेल्फ का अर्थ है, हम सीखते हैं हम कौन हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर है, स्व की भावना के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित हुआ है। रचनात्मक वर्षों के दौरान समाजीकरण, वृद्धावस्था में समाजीकरण, वृद्धावस्था की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन में घटती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए।
फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो व्यक्ति के व्यक्तित्व के उस भाग को प्रस्तुत करता है जो निम्नलिखित के जरिए सृजित हुआ है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है वृद्धावस्था की प्रक्रिया जो व्यक्ति के समस्त जीवन में घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जात प्रथा मानवीय नहीं वर्ण दिव्य मूल की है। प्रजातिगत सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत, पारंपरिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जात प्रथा मानवीय नहीं वर्ण दिव्य मूल की है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है पारंपरिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि के प्रयोग के लिए किसे जाना जाता है। मैलोमस्की, एफ वाइट, डब्ल्यू जे गुडे, पी एफ हॉट। राइट आंसर बताइए। अमेरिकी समाज के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि डब्ल्यू एफ वाइट के द्वारा प्रयोग की गई थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। किस प्रकार की शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती। वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक, निदानात्मक, अन्वेषणात्मक। किस प्रकार के शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वर्णनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल अध्ययन में सम्मिलित है परिणात्मक विश्लेषण, परिणात्मक और गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण उपर्युक्त शब्द। राइट आंसर बताइए। एकल अध्ययन में क्या सम्मिलित है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है गुणात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है। माध्य, बहुलक, माध्यिका, ये सभी। किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मकता का ध्यान किस में रखा जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है माध्यिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण शोध का संस्थापक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बूथ, पी एफ लाजार्स, फील्ड मर्टन, गुडे। सर्वेक्षण शोध का संस्थापक। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है चार्ल्स बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जात के अध्ययन में सामाजिक स्त्रीकरण के बेबरवादी प्रारूप का उपयोग किसने किया। श्यामाचरण दुबे, श्रीनिवास, त्रिलोकीनाथ, मदन आंध्रविद्य। जात के अध्ययन में सामाजिक स्त्रीकरण के बेबरवादी प्रारूप का उपयोग किसने किया है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है आंध्रविद्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की सामर्थ्य रखती है। सुकार्य, अप्रकार, अर्धप्रकार, अपक्रिया। मर्टन के अनुसार कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की सामर्थ्य रखती है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारेन एस थॉम्पसन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं।
चक्रीय सिद्धांत, जनांग की संक्रमण मॉडल, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, सोशो कैपिलरिटी का सिद्धांत। वारेन एस थॉम्पसन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है जनांग की संक्रमण मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में जो अध्याय प्रारंभ किया गया था वह क्या था? महिलाएं और कल्याण योजनाएं, महिलाएं तथा विकास, महिलाएं तथा शिक्षा, महिलाएं तथा स्वास्थ्य। छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में जो अध्याय प्रारंभ किया था वह महिलाएं तथा विकास है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है, लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण दिया गया है, सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर बताइए। लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, उदारवादी, उग्रवादी, समाजवादी, उत्तर आधुनिकवादी। 4312 3412 4132 4322 ये राइट आंसर बताइए। उदारवादी में मेरी वॉलस्टोन क्रॉफ्ट, बेटी फ्रेडन ये सभी आते हैं। उग्रवादी में केट मिलेट, मेरे डेली आते हैं। समाजवादी में क्लारा जेटकिन, जूलियट मिचेल ये सभी आते हैं। और उत्तर आधुनिकवादी में शिको और इरो गैरी आते हैं। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। 4321 उदारवादी मेरी वॉलस्टोन क्रॉफ्ट, बेटी फ्रेडन। उग्रवादी केट मिलेट, मेरी डेली। समाजवादी क्लारा जेटकिन, जूलियट मिचेल। उत्तर आधुनिकवादी शिको इरिगेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? श्रीनिवास दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर क्या होगा? भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। ये कथन है योगेंद्र सिंह का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप एंजॉय द सेशन। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।